इतना बड़ा मतलब नुकसान हो गया, उसके बाद ये चोर जो मौलानाओं की शक्लों में आते हैं ये कहते हैं कि हमने करोड़ों रुपए खर्च करके ये काम कर दिया। असम में हाहाकार मचा हुआ है और ये चोर मौलानाओं की शक्ल में आके अपने लोगों को ही ये उनको मजबूर करके धोखाधड़ी करके उनको बुला के एक स्टेडियम में तारीफें करते हैं। असम में जाके देखे तो सही, सड़क पे आने में इन्हें एकदम इनका इनके पसीना आ जाता है। सड़क पे आके असम के लोगों के साथ जाके लाठी गोली खाओ ना जो वो वहाँ पे परेशान हो रहे हैं। यहाँ फ्रॉड करना और ये बताना भी कि हमने फ्रॉड कर लिया और करोड़ों रुपए भी कमा लिए उसके चक्कर में। अभी जमयम का एक बॉम्बे में ही एक इजलास हुआ था इलेक्शन के बाद, उसमें 2.25 करोड़ की तो बात ऐसे हो रही थी कि ये पुराने वाले अध्यक्ष लेके भाग गए, कैश पड़ा होता है यहाँ पे। इस तरह के बेईमान और चोर हैं ये जो ऊपर के जो जमियतों के हेड्स और जो स्टेज पे बैठे हुए लोग हैं ना सारे चोर, वो अपने आप को मौलाना कर रहे हैं। कैसे तालियां बजा रहे हैं, बेशर्मी से शर्म नहीं है इनको। इन लोगों को स्टेज पे बैठे वालों को तो सबको पता है ना कि कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं जो सामने लोग बैठे हैं और पूरे मुल्क के मुसलमानों से, शर्म नहीं है इन्हें। और कुछ लॉयर भी जाके बता रहे हैं हमने बहुत बड़ा तोप चला ली। और अब आप मुझे बता दो, जब यूपी गवर्नमेंट जो हमारे परम आदरणीय माननीय और हमारे भी और खासतौर पर इन चोरों के मुझसे भी ज्यादा योगी जी, जब अब उनके हाथ में ये बात आएगी कि वो मदरसों का जो तौर तरीका है वो डिसाइड करेंगे, तो कल को योगी जी अगर ये बोलेंगे कि हमारी डायरेक्शन ये है कि यहाँ पे मनु महाराज की पूजा होनी चाहिए, उनके चरणों में सर झुकाना चाहिए, तो क्या वो गैर कानूनी होगा और इस बात की तालियां बजवा रहे हैं? ये तो पहले ही मनु महाराज के चरणों में, अरशद मदनी साहब तो पहले ही रामलीला मैदान से ऐलान कर चुके हैं हम तो मनु महाराज के चरणों में सर झुकाते हैं और सबसे कहते हैं आओ मनु महाराज के चरणों में सर झुकाओ। मैं तो नहीं झुकाना चाहता मनु महाराज के सर चरणों में या अल्लाह के अलावा किसी के सामने भी, किसी के चरणों में या किसी के सर के सामने भी सर नहीं झुकाना चाहता। तो मेरे जैसे लोगों का क्या होगा? इनको तो बेशर्मी की इनकी कोई इंतहा नहीं है। हम जैसे लोगों का क्या होगा जो अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाना चाहते? तो ये बात है, जब तक जो चीज है कोई इंसाफ, सिर्फ इन सब लोगों का एक ही फॉर्मूला है, चाहे वो चंद्रचूड़ साहब हो, चाहे ये चोर हो मौलाना की शक्लों में, और चाहे ये हमारे परम आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी हो, इनको इंसाफ ऐसा दिखाना होता है कि दिखाया लगे सिर्फ के हो गया, हो नहीं लेकिन बिल्कुल भी। आपको बेनिफिट लगे मिल गया लेकिन मिलना नहीं चाहिए, ये एक ही फॉर्मूला है जो आरएसएस के लोग और जो जितनी भी ज़ायनिस्ट ताकतें हैं, सहयूनी ताकतें, उनका एक ही फॉर्मूला है। जहां आपको नजर तो दिखाना चाहेंगे धोखाधड़ी करके कि आपको बहुत बड़ा फायदा हो गया, नजर आएगा आपको, लेकिन होगा कभी नहीं, यही इनका एक फॉर्मूला है। इससे हम सबको होशियार रहना चाहिए। देखिए मैं बहुत ही दुखी मन से ये बात बोलता हूं कि हमारे न्यायालयों से आजकल, और ये सिर्फ चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब की बात नहीं है कि वो उन्होंने तो खुल के कह दिया कम से कम कि मैं फैसले जो हैं किसी बाहरी शक्ति के कहने पे भी फैसले करता हूँ और महत्वपूर्ण फैसले करता हूँ, ऐसा उन्होंने कह दिया। लेकिन जो ये ज़्यादातर जजेस हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अच्छे जज नहीं हैं, अच्छे जज ऐसे भी हैं जिन्हें हम जैसे लोग भी सलाम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट्स में भी सारे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी। लेकिन ज़्यादातर जो चलन चला हुआ है आजकल सरकार के दबाव में कह लीजिए या माहौल के दबाव में कह लीजिए, कोई भी जजमेंट्स ऐसी नहीं आ रही हैं जो कमज़ोर वर्गों के लिए या किसी भी प्रताड़ित या पीड़ित के लिए होलिस्टिक यानी कि संपूर्ण न्याय वाली हों, मतलब पूरे एक मुश्त या मुश्तरका इंसाफ कर रही हूँ। तो उसी तरीके से अब ये जो जजमेंट अभी कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया भी है, अब इसमें देखिएगा जब तक मिल ना जाए जब तक आपको इस बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। एक बात, दूसरी बात यह है कि 25 करोड़ का कोई 25 लाख का कोई फार्मूला होना चाहिए। एक आदमी का घर है जिसका जिसकी कीमत चलिए मान लिए 25 लाख थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा 25 लाख, लेकिन ये एक ब्रश से सबको पेंट नहीं किया जा सकता। किसी का हो सकता है 20 लाख का हो, किसी का हो सकता है 50 लाख का हो, किसी का हो सकता है 2 करोड़ का भी घर हो बना हुआ। तो जिसका जितना नुकसान हुआ है उसके प्रोपोर्शनेट मुआवजा मिलना चाहिए। एक बात पहली बात तो ये हो गई। अब अगर 3 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से लोग अपने घरों से निकल के सड़कों पे पड़े
या जो उनका और नुकसान हुआ है उसकी भरपाई क्या, सिर्फ मकान की जो कीमत है वही थोड़ी दी जाएगी, वो भी दी जाएगी ना जो उनका पूरा नुकसान हुआ जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया, और देखिए यही अन्याय जो है जिसके हमें निंदा करनी चाहिए इस जजमेंट की, वहाँ से शुरू होता। और मैं थोड़ा ज़्यादा ही क्रिटिसिज्म करता हूँ, लोग बहुत कई लोग हैरान भी होते हैं, कई लोग ये भी कहते हैं कि मैं हर बात में क्यों टीका टिप्पणी करता हूँ, लेकिन हालात इस मजबूर करते हैं मुझे, क्योंकि इस वक्त जो आम काम भी होता है ना वो ऐसा बड़ा करके दिखाया जाने लगता है जैसे कौन सी बहुत बड़ा मार्का मार लिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो एक आम सा काम है कि किसी का घर गैर कानूनी तौर पर तोड़ा उसको मुआवजा मिलना चाहिए। अब ये मुआवजा मिलना चाहिए कहाँ से, जिन लोगों ने कानून और संविधान की धज्जियाँ उड़ा के ये काम किया, काम तो उन व्यक्तियों ने किया, और उसकी सज़ा आप में और सब पूरा देश भुगते, ये क्या मुनासिब बात है, वो सरकार क्यों देगी, ये जो अधिकारी थे इनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज में से क्यों नहीं दिया जाएगा। तो अब जो ये अधिकारी ये कार्य कर रहे हैं वो आगे भी करेंगे क्योंकि उनका तो कोई नुकसान हुआ नहीं। आप बताओ मुझे क्या नुकसान हुआ, योगी जी ने जो ये इलीगल आदेश इम्प्लीमेंट कराया उनका क्या नुकसान हुआ, पैसा तो आपका मेरा गया, यूपी की जनता का गया, जिन्होंने अपना पेट काट काट के सरकार में टैक्स देते हैं, सरकार का जो रेवेन्यू है, जो जो सबका सबकी मिल्कियत है, जो सरकार का जितना भी पैसा है उनकी जेब से जा रहा है, उनकी तो आम यूपी की जनता की तो कोई गलती नहीं है, योगी जी की गलती है और उनके भ्रष्ट अधिकारियों की गलती है, तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज में से ये मिलना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों को बहुत ही सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए ताकि एक आने वाले लोगों को एक नसीहत हो कि कोई भी ऐसा आपराधिक गैरकानूनी काम संविधान और कानून के खिलाफ जाके, भले ही हमारे राजनीतिक आकाओं ने क्यों नहीं कहा, तो हमें नहीं करना है, वरना हम कल को परेशानी या मुसीबत में आ सकते हैं। ये होता है न्याय करना, बाकी ये तो कोई मेरे हिसाब से ये कोई अच्छा न्याय नहीं। पर जिस तरह से मुआवजे की बात उन घरों को हुई है, उत्तर प्रदेश में ही बुलडोजर की जो राजनीति हुई है, बुलडोजर के सारे जो घर अवैध कह के और जगहों पर ढाए हैं, क्या उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी तो आस लगाए बैठे हैं, वो भी तो न्याय की गुहार के लिए अभी भी भटक रहे हैं। तो ये आपने खुद ही एक अच्छा बात बता दी, अब बुलडोजर अगर बुरा है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हालांकि ये वाले केसेस का जो बहाना लिया गया था वो ये लिया गया था कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है या लिख के पब्लिक जमीन पे एनक्रोचमेंट है, लेकिन अगर बुनियादी बात, लेकिन बुलडोजर की क्या गलत है, बुलडोजर चलाएं लेकिन पूरी कानूनी प्रक्रिया को पालन करके, तो जो भी कार्य कानूनी प्रक्रिया को संवैधानिक प्रक्रियाओं को पालन करके हुआ उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसमें एक कैवियट या एक उसमें कंडीशन जरूर रहनी चाहिए कि न्यायिक प्रक्रिया का भी इस्तेमाल सबको बराबरी के साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं क्योंकि मेरा नाम एक्स है तो मेरा घर जो है ज्यादा एंक्रोच किया हुआ बराबर में खड़ा है और किसी और का नाम वाई है, आजकल तो ए से जेड तक भी हो रहा है ना, तो किसी का नाम ए है तो उसका घर 50 मंजिला है तो उसको ना तोड़ा, और किसी का बेचारे का 2 मंजिल से 2.5 मंजिल बना ली तो वो तोड़ दिया, तो ये भी न्याय नहीं है। हालांकि ये 2.5 मंजिल भी उसने आधी मंजिल गलत बनाई है, लेकिन ये जो 48 मंजिलें बनाई हैं बराबर में, ए होने की वजह से उसको छोड़ा ना जाए और जेड होने की वजह से किसी को आधी वो भी बिल्डिंग ना गिराई जाए, तब ये कानून है जिसकी किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इसमें भी एक कंडीशन और है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कि ये गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन ना हो, जो लोग उस वक्त अधिकारी थे, जिन लोगों ने रिश्वतें लेके ये काम होने दिया, ठीक है, तो उनको भी बराबर की सजा मिलनी चाहिए। तो अब ये वाली जो जजमेंट है, ये अच्छी जजमेंट, हम इसे तब कहते हैं जब इस प्रकार के लिए सुप्रीम कोर्ट है, कोई एक आदमी गया तो पूरे देश के लिए न्याय बनाने की क्षमता सुप्रीम कोर्ट में, और इससे लिटिगेशन भी कम होगी। फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं, कंचूर साहब, कि हमारे पर काम का दबाव ऐसा है। अब एक ही केस में सारे देश का फैसला हो जाता ना कि जो भी गैरकानूनी तरीके से बुलडोजर चलाएगा उसको, उसके लिए ये और ये काम होंगे, पूरे देश में होंगे, ये हमारे क्राइटेरिया हैं, हम इन 123 घरों के लिए या किसी एक दो या ए बी सी डी ई एफ जी एच के लिए नहीं कर रहे। ये सुप्रीम कोर्ट का न्याय जिसकी उम्मीद थी और होनी भी चाहिए, ये एक आम सी बात है, एक आम सी जजमेंट होती, लेकिन क्योंकि इतने दिनों से वो अकाल पड़ा हुआ है, एक बूंद भी न्याय की नहीं गिरी है, तो आधी बूंद भी गिरती है तो लोग उस पर खुश हो जाते हैं, ये बड़े
दुख की और परेशानी की बात। पर क्या ये बूंद लोगों तक पहुंचेगी भी? मुझे बहुत डाउट है इस बारे में, या मुझे शक है कि ऐसे ये न्याय की बूंद इन 123 लोगों के पास भी पहुंचेगी, मुझे बहुत डाउट। फिर क्या होगा इसका, फिर तो कोई मतलब? देखिए मैं तो कह रहा हूँ मदरसे की जजमेंट में कितनी तालियां बजा रहे हैं जो लोग जो अपने आप को जो चोर हैं और मौलाना कहने की कोशिश करते हैं अपने आप को, वो कितनी तालियां बजवा रहे हैं लेकिन उनको शर्म आती नहीं है। आप बताइए ना मुझे इस जजमेंट में क्या क्या नहीं है जो मदरसों को डिस्ट्रॉय कर देगा पूरी तरीके से, ऐसा क्या है इसमें जो मदरसों को बचा लेगा, आप मुझे यही बता दीजिए। आज तक जितनी आलिम की और फाजिल की जजमेंट्स मिली हैं उनका क्या होगा, क्या होगा? जिसकी बुनियाद पे नौकरियां लोग कर रहे हैं आज उनका क्या होगा? वो तो गैर कानूनी हो गई सारी। अब अगर मदरसे किसी को ऐसी डिग्री नहीं दे पाते जिसकी वजह से उनकी कोई कानूनी हैसियत हो कोई नौकरी करने की देश में भी और विदेश में भी, आप मुझे बताइए मदरसे से पढ़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अब क्या किसी स्कूल में टीचर की भी नौकरी कर पाएगा जब उसके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है?